गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और मैं आज लेकर आई हूँ एक और अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और स्किप बिल्कुल भी ना करें। एक ये वीडियो एक क्लीनिंग का वीडियो है। तो ये बॉटल देखिए आप, तो ये है थिनर की बॉटल, दिख ही नहीं पा रही है, ये थिनर की बॉटल है। तो इससे सिर्फ नेल्स साफ़ नहीं करे जा सकते, और भी कुछ साफ़ किया जा सकता है। तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इससे और क्या साफ़ किया जा सकता है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। हूँ इससे मैं चिपचिपा बिल्कुल गंदा सा एग्जास्ट हो जाता है ना, उसकी क्लीनिंग करने वाली हूँ। और इससे ये क्लीनिंग इतनी अच्छी होती है, इतनी अच्छी होती है कि आप खुद ही देख लेना और विश्वास कर लेना। फिर आप भी ये 10 रुपये की, ओनली 10 रुपये की बॉटल से अपने एग्जास्ट को अच्छे से चमका सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ एग्जास्ट ही नहीं, आपके और भी जो घर के फ़ैन होते हैं ना, उनको भी इनसे अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लीनिंग। फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कटोरी ले लेंगे, और कटोरी में ये हम थोड़ा थिनर डालेंगे, जिससे कि पूरा थिनर ख़राब ना हो। तो इतना हमको थिनर ले लेना है, ये देखिए इतना हमने ले लिया है। ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ले लेंगे, नहीं तो ये सूख जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसको हम बंद करके साइड रख देंगे पहले बॉटल को, और ये देखिए इतनी हमने कॉटन ले ली है, ये रुई है। और चलिए अब ऊपर चलते हैं और ऊपर दिखाते हैं हमारा फ़ैन कितना गंदा हुआ पड़ा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप लोग, ये कितना गंदा हो गया है। तो हम सबसे पहले इसका ये निकाल देंगे पेपर, जो हमने इस साइड और इस साइड लगाया हुआ था। क्यों लगाया था, जैसे कि इसकी हवा है ना पूरी बाहर वैसी ना हो। तो अब हम इसको शुरू करते हैं, और देखते ही देखते ही ये इतना चमक जाएगा, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और हम इसको एक ऐसे डिप कर लेंगे इसमें, और फिर इसको इसमें ऐसे इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से हम पूरे में ऐसे करके लगा देंगे, और आप देखेंगे कि ये देखिए अपने आप ही ये कितना मैल निकल रहा है। इसी तरह से हम ये सारी गंदगी को हटा लेंगे, साफ कर लेंगे। इससे यकीन मानिए ये इतना अच्छा और एकदम कड़ी से कड़ी गंदगी को हटा देता है। ये देख रहे हैं आप लोग कितने अच्छे से साफ हो रहा है। ये देखो कितना कचरा निकल रहा है, और ये देखिए आप जितना जितना मैंने साफ किया है और उनको देखिए। इसी तरह से हम पूरा फैन को साफ कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने बैक साइड इसको साफ कर लिया है, तो थोड़ा सा अंधेरा है, उजाला हो रहा है। ये देखिए इसको हमने बैक साइड साफ़ कर लिया है, और अब हम जाएंगे इसके फ्रंट साइड में। तो ये इधर से साफ़ नहीं कर पा रही हूँ मैं, तो उस तरफ से मैं जाके इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और हम इसी तरह से पूरे फैन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से साफ़ हो गया है। तो इसी तरह आप भी अपने फ़ैन को चमका सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। तो ये तरीका मेरा आप लोगों को कैसा लगा, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और